आज हम राग अनुभव सेशन में हम आज इस पे बात करेंगे। हेमवती राग हेमवंती, और तो राग हेमवती और हेमवंती सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन जब हम इसको बुझाते हैं तो ये बिल्कुल अलग राग है। तो राग हेमवती का शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग स्वर मिलता है। तो जैसे अभी हमने बजाया, अभी संडे को अपलोड किया था राग हेमवती, जो म्यूजिक कॉन्सर्ट में था, बहुत बढ़िया राग बजा। तो उसमें हमने देखा कि वो राग जो है राग किरवानी के पास का है। जैसे राग किरवानी में यदि हम मध्यम तीव्र करते हैं तो राग हेमवती में बन जाता है। तो हालांकि राग हेमवती को मैं बहुत दिनों से देखता हुआ आ रहा था, लेकिन देख करके मैं छोड़ देता था, कहता था नहीं, ये किरवानी राग के पास का राग है, इसको तो बजा ही नहीं सकते, यदि हम बजाएंगे तो किरवानी राग में चले जाएंगे। तो बहुत दिनों तक बजाया नहीं उसको हमने, लेकिन जब भगवान की कृपा हुआ और जब हमने उसको बजाया तो राग किरवानी और राग हेमवती में हेमवती अलग हो गया, राग हेमवती में बहुत अंतर हुआ, मतलब दोनों बहुत अलग, धरती आसमान का फर्क पड़ गया। तो बहुत प्यारा राग है वो, तो क्योंकि उसमें राग किरवानी में शुद्ध माँ है और ग कोमल और ध कोमल है, बाकी सारा स्वर शुद्ध है, और इसमें ग कोमल और माँ तीव्र है। तो राग हेमवती मेल जन्य राग है, ये कर्नाटकीय राग है, और राग हेमवती, तो राग हेमवती तोड़ी ठाट से है। तो जैसे मेरे को तोड़ी ठाट याद आता है या देखता हूँ, तो गुरुजनों की आवाज़ है ना, वो कानों में बहुत अच्छे से गूंजता है। जैसे गुरुजन जब तोड़ी राग सिखाते हैं या तोड़ी ठाट का कोई भी राग सिखाते हैं, तो उसमें कोमल रे और कोमल ग की जो संगत होते हैं बड़े प्यार से करके सिखाते हैं अपने स्टेज में, रे ग रे सा, ये जो फ्रेजेस हैं जब गुरुजन सिखाते हैं अपने शिष्य को, तो मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो कान में मतलब हमेशा के लिए आपके दिलो दिमाग में गुरुजनों की आवाज़ बस जाते हैं, रे ग रे सा, बहुत प्यारा आवाज़ है। तो मैंने कई गुरुजनों से सीखा, इसलिए मेरे कान में बसा हुआ है, तो वही मैं आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो राग हेमवती में तोड़ी ठाट से है, तो इसमें रे ग कोमल हो गया और तीव्र म हो गया, और इसमें ध कोमल है और नी शुद्ध है। सबसे बड़ी बात है, जिस राग में हमें नी मिल जाता है शुद्ध है, तो वहाँ पे फिंगर को बहुत आनंद आता है बजाने में, जैसे फिंगर के मूवमेंट है ना, नी बजाने में बहुत आनंद आता है, बहुत आनंददायक प्रदेश है, बहुत आनंद आता है इसको बजाने में। तो और राग हेमवती, इसमें मेरे को लगता है ये विवादित राग हो सकता है, क्योंकि मैंने एक जगह देखा इसको, इसका स्वर है वो काफ़ी ठाट के आसपास जाता है, जैसे कि एक जगह लिखा हुआ मैंने पाया इसको, कोमल गा है और कोमल नी है और माँ तीव्र है। तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, हमने तो बजाया उसमें कोमल गा और कोमल धा है, माँ तीव्र है, और अभी यहाँ कोमल नी आ गया, और मैं समझूँ कि अब क्या करें। तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग बजाता है। देखिए मैं कोमल नी वाले से हेमवती राग बजाता हूँ, सॉरी,
भी गुरुजन भगवान स्वरूप गुरु हमें मिले तो हम ये सब प्रश्न रखें और सीखें इन रागों को अच्छे से। फिर भी जितने अनुभव है भगवान की कृपा से उससे जो भी बजाते हैं उसकी अलग अलग फीलिंग हो जाता है, अलग अलग। ये समुद्र की तरह है, कोई इस कोने से डुबकी लगा रहा है, कोई उस किनारे से डुबकी लगा रहा है, कोई इस किनारे से डुबकी लगा रहा है, तो कभी कभी ऐसा फीलिंग होता है। ये जो राग है ये समुद्र के मानिंद है, कोई इस किनारे है, कोई उस किनारे है, कोई उस किनारे है तो बहुत अच्छा है। और ये भी देखा गया है कि जितने गुरुजन गुनीजन एक ही राग को बजाते हैं लेकिन वो उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो मूवमेंट है वो अलग अलग है। ये भी होता है कि मैंने ये महसूस किया है, अनुभव किया है कि एक ही राग को आप अलग अलग समय पे बजाएंगे तो उससे अलग अलग फीलिंग निकलेगा, अलग अलग भाव निकलता है, क्योंकि हमारा भाव स्थिर नहीं रहता है। और हम जब शास्त्रीय संगीत बजाते हैं तो वही चीज़ जो हम फील कर रहे होते हैं, जो बाहर प्रकृति में वातावरण है, वही सब निकलता है। तो मतलब मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि राग बजाने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो आप लोग भी ऐसे संगीत सीखिए, ऐसे अनुभव कीजिए, बहुत आनंददायक है। न शब्द है न विचार है, मतलब बाहरी दुनिया से परे की चीज़ है, बहुत आनंद आता है। तो जाकर देखिए राग हेमवती, और आने वाले संडे को राग हेमवती भी मैं बजाऊँगा, तो उसको भी देखिएगा कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके के और भी सेशन आएगा जिसमें मैं अपना अनुभव शेयर करूँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइए। ओके, जय श्री कृष्ण।